भाई आप आज फुल तैयारी में आए हैं, कैसा आज मैच है, क्या माहौल है? बिल्कुल माहौल बहुत बढ़िया है। जैसे कल मैच स्टार्ट हुआ था और न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन इंडियन टीम ने जो क्या बहुत ही अच्छा कमबैक किया और बॉलिंग में हमारे वॉशिंगटन सुंदर ने जो कमबैक किया और 7 विकेट लिए, अश्विन ने भी 3 विकेट लिए और ऑल ओवर दोनों स्पिनरों ने अच्छी बॉलिंग करी और टीम इंडिया अच्छी पोजीशन में आ सकता है आज, क्योंकि बेशक 1 विकेट गिर गया है लेकिन अभी क्रीज पे शुभमन गिल और जसवाल जी हैं और आशा करता हूँ दोनों शतक के साथ इस मैच में आगे बढ़े और टीम इंडिया 500 का जो पहाड़ है वो स्कोर खड़ा करे और न्यूजीलैंड को पूरी टीम इंडिया को चेयर करने आए हैं। तो चाहते हैं यहाँ से जीत का नगाड़ा ले, क्योंकि बैंगलोर की हार के बाद ये कमबैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बने रहने के लिए ये टेस्ट मैच जीतने जरूरी है और बैक टू बैक दोनों टेस्ट जीतेंगे तो आगे ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट के जो आशा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जाने की वो आशा बनी रहेगी और टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगी बैटर साइड। बहुत बहुत एक्साइटेड है विराट कोहली को देखने के लिए आए। देखिए मुझे तो लग रहा है आज का दिन अगर इंडिया पूरा खेल गई और 400 रन बना दिया तो फिर सेकंड इनिंग की जरूरत ही नहीं है। निमेश ये टीवी पर कब आएगा? टीवी पर आप किसको चेयर करने आए? कितना टेस्ट मैच है? विराट कोहली कहना चाहेंगे, कितना उत्साह है? अभी इतना दिख नहीं रहा क्या हमारा कोहली सेंचुरी मारने वाला है, गिल भी सेंचुरी मारने वाला है, 80+ फिक्स है, 80+ सेंचुरी फिक्स है विराट कोहली। कोई नहीं विराट खेलेगा आज, विराट खेलने वाला है आज, विराट और गिल आज खेलेंगे, मतलब हमें तो पूरे एक्सपेक्टेशन आते हैं। किंग और प्रिंस पार्टनरशिप होने वाले आज, किंग और ऋषभ पंत मतलब सब आज सब खेलेंगे। विराट कोहली खड़े होते हैं कोल्हापुर से आए मैच देखने के लिए, खास करके स्पेशली हम विराट की बैटिंग देखने के लिए आए और कल के मैच को जो वॉशिंगटन सुंदर ने जो बॉलिंग की वो बहुत ही सुंदर बॉलिंग की है और आज का जो दिन है जो इंडियन बैटर्स के लिए बहुत अच्छा दिन है और विकेट जो है बहुत खूबसूरत है और यहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ का स्टेडियम जो है वो बहुत ही सुंदर है। हम यहाँ के फैन को देख के हम बहुत खुश है। हम खास करके कोल्हापुर से यहाँ मैच देखने के लिए आए, हमारा एक दोस्त है उसने सब अरेंज किया है हमारे लिए खास करके, इसलिए हम बहुत खुश है। आज का दिन हम भी कोल्हापुर से ही है, आज का दिन अच्छा जाएगा, इंडियन बैटर्स अच्छा खेलेंगे ऐसा लगता है, विराट का अच्छी पारी देखने को मिलेगी ऐसी लगती है। डेफिनेटली चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये विकेट हमारा है तो इसके लिए बहुत अच्छे से बैटिंग करेंगे और लीड मिलेगा इंडिया को। शशांक थैंक यू। आपका नाम बताओ? सर मैं विनोद तनु, आई एम फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर तो आज मैच देखने के लिए आया हूँ। सर आई एम रियली इंटरेस्टेड टू वॉच दिस मैच, स्पेशली इन दिस विकेट, दिस इज अ डेड पिच सो वी कैन सी ओनली स्पिनर्स लेटर ऑन। आई थिंक मोस्ट ऑफ द 70 or 80 ओवर्स विल बी स्पिनर्स, दे आर गोइंग टू अटैक और इंडिया बैटर्स आर वेल नोन फॉर प्लेइंग स्पिनर्स। I'm going to cheering for Sarfaraz and Virat. I think Sarfaraz story is really inspiring. I think hard work, dedication that he has put, I think Sarfaraz will be on top. We need to level the series so that the Wankhede will be a very interesting one. So I'm really good and the weather is really good. Past weeks there are thunderstorms, raining. So it's really good sunny out. So it will be a very exciting cricket, I think. My good name is Vinutan Udbal. हाँ
होगा। परत नाही आणि तिथून म्हणलं मी पुण्यात येणार आहे, म्हणलं पुण्यात येऊन काय खाणार म्हणलं, मग त्यानंतर त्याचा तो फोन होता ना तो बंद झाला, तो बंदच व्हावा मला त्यांनी, मी दिल्लीला ते ह्याला गेलतो ना शपथविधीला मुरली आणला तो मला तिथे त्यांनी ते पाहून आला होता त्यानंतर ना माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये, मी कशाला त्याला पैसे देऊ आणि हमारे पास